देश को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के एक दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। टॉप कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इस केस में निर्भया के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इनमें से अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी अर्जी में गांधी जी और गरीबों का जिक्र करने के अलावा ये भी कहा है कि प्रदूषण के कारण यहाँ वैसे ही लोगों की जिंदगी कम हो रही है, तो फिर फांसी देने की क्या जरूरत है। आपको बता दें कि इनकी दया याचिका पर राष्ट्रपति का फैसला आना अभी बाकी है। तो वही खबर है कि फांसी दिए जाने की खबर की भनक लगने से तिहाड़ में बंद चारों ने खाना पीना छोड़ दिया है। 16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में फिजियोथेरेपी की छात्रा के साथ हुए बर्बर गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था।